नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप डॉट कॉम की गुजरात चुनाव यात्रा। हम लोग द्वारका में हैं, दो सीटें हैं, द्वारका और खंबालिया। द्वारका से 27 बरस से एक ही आदमी विधायक है, उनका नाम पबुभा मानिक है। पहले निर्दलीय थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में आ गए, ऐसा ही है बरोबर। और उनके सामने जो खंबालिया में 2014 में विधानसभा का उपचुनाव जीत गए थे, ऐसे गोरिया भाई, क्या नाम है, मन मावन, मेरा मन गोरिया, तेरा मन, तो कोई मन नहीं है, मैं तो यहाँ पूछने आया हूँ। हाँ काका, क्या नाम है आपका? मालूम नाम बच्ची लक्ष्मण चावड़ा। लक्ष्मण चावड़ा, अच्छा। तो ये भाई साहब, ये काका मुझसे धक्का दे दे के कह रहे थे कि जाओ और उनसे बात करो, उनसे पूछो काम हुआ कि नहीं। काम वाले से बात करना चाहिए, काम वाले। मैं पूछ लूं, आप क्या काम करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ऑटो कैसे चलाते हैं। आपको टुकड़ी कहाँ है वो भी नहीं। एक सेकंड, जिसका काम उसी को सुहाए। मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। पूछिए ना, कोई बात नहीं, आप पूछ लूं। पूछ लो, तो नाराज क्यों रहे? सुन, नहीं नेगेटिव एटीट्यूड। अभी नेगेटिव एटीट्यूड कैसे? मैं पूरी आपकी बात दिखा रहा था कि नहीं, आपको एक बार भी काटा? एक बार भी आपको काटा नहीं? काटा ना। ऐसे ये बताइए सर, आप लोग, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? वीरन भाई। वीरन भाई, आप लोग ऐसे धड़ से इल्जाम लगा देते हैं किसी के ऊपर। तो कांग्रेस वाले भी धड़ पे लगा दिया ने, तो ये भाजपा वाले, तो वो कांग्रेस वाला खुद नहीं था, तो आप उनके वहीं से बात वही निकलेगी ना। ऐसा है ना, चिल्लाने से कोई फायदा? मैं सबकी बातें सुनवा रहा हूँ ना। तो कोई बात नहीं, आप मुझ पे, आप एक से कांग्रेस वाले बोले, भाजपा वाले बोले, सबकी बात सुनवाई, सबकी लाइव दिखा रहा हूँ, तो आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? बोल रहे हैं इसलिए। तो मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर, मेरा काम है सवाल पूछना। हमारा भी काम है जवाब देने का। आप तो जब आपसे पूछेंगे तब आप जवाब दीजिएगा, अभी इनसे पूछ लूं। आपके साथी ने बोला इनके पास जाओ, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। आप कहे मैं बंद करके हाथ जोड़ के चले जाता हूं? हम भी चले जाए। हाँ काका, ये बताइए आपका नाम क्या है? लक्ष्मण चावड़ा। लक्ष्मण भाई, तो यहाँ पे जैसे ये जो काका है, आपके दोस्त हैं क्या? तो ये काका, हाँ ये काका बोल रहे हैं कि चूटनी, हाँ हाँ, इनका हाथ हिला रहे हैं, भैया दिखा दो इनको, नहीं जाम लगा देंगे, जाइए ठीक है। आप बताते जाइएगा मुझे, किससे पूछूं, क्या पूछूं, सब बताते जाइएगा। आपके शहर में हूँ, ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खेडूत लोग बहुत नाराज हैं, फसल का दाम नहीं मिल रहा, कुछ लोग कह रहे हैं खेडूत बहुत खुश हैं और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया, तो आपका क्या? सरकार माथे कोई माथे बोलू नहीं करतो, पर खरे खर खेडू नुकसान में छे। खेडू नुकसान? हाँ, खेडू 10%। कैसे? खेडू ने कोई सरकारी सहाय नहीं मिलती, जी वीमा छे, वीमा नहीं मिलता, खेडू ने बीजू करवा मेहनत छता खेडू ने हरखाड़ी दिए सरकार के विकास थियो, खेडू गाड़ी लेने जाए, अटाणे फोर व्हील लेने जाए, ई तो खेडू नो बाप ने खेडू नो दीक सरकार नो विकास मैं आप समझा दूं जरा लोगों को कि आपने क्या बोला। एक सेकंड मैं बता दूं जिन लोगों को गुजराती नहीं आती है। काका ये कह रहे हैं कि खेडूत को जो समृद्धि मिल रही वो उसकी अपनी मेहनत से मिल रही है और फसल बीमा को लेके नाराजगी जता रहे हैं। हाँ जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि खेडूत नाराज है, फसल बीमा का बात कर रहे हैं। वो फसल में ऐसा है कि जो मकबड़ी होता है तो फसल नहीं देता है, मकबड़ी जो हुआ ने इसके लिए नहीं दिया फसल तो। अच्छा। हाँ, अपने जो माल होता है तो थोड़ा देता है कोई। माल होता है तो देता। जी आप लोग ऑटो चलाते हैं? कौन ऑटो चलाते हैं? भाई साहब बताइए आप लोगों का क्या कहना है? हमारा तो बहुत कहना है कि पूरा रास्ता पहले कुछ बना नहीं था, कांग्रेस के राज में पूरा सिंगल लाइन था, सब जगह खड्डा खड्डा पड़ा था। अभी समझ लो यहाँ से खाली ओखा निकलना है तो सिर्फ 20 मिनट में ओखा ऑटो पहुँच जाता है, पहले एक से डेढ़ घंटे में सड़क अच्छा बन गया है। और इसका जो टुपनी गांव है, उसका गांव है टुपनी गांव में अभी का भी एक साल के डेढ़ साल के अंदर 2 बार रास्ता बन गया। अभी जो चरकला बाईपास बोलते हैं वो भी क्लीन रास्ता बन गया, डबल गांव में रास्ता बना रोड से, 2 बार बना, एक बार नहीं 2 बार। यहाँ से सोमनाथ फोर्ट एक रास्ता चालू है, मैं अभी सोमनाथ यहाँ से गया था, सिर्फ 6 घंटे में यहाँ से सोमनाथ ऑटो से पहुँचा था, जैसे बस पहुँचाती है वैसे ऑटो से 6 घंटे में पहुँचा था। बोलो उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा कोई नहीं है। बताइए और किसी को कुछ कहना है? बोलो बोलो, चिल्लाइएगा मत, आराम से बोलिए। आप बहुत चिल्ला चुके हैं मेरे ऊपर, इसको मैंने। हम जब 2000 से 2002 के बाद 2002 के बाद
कुछ विकास नहीं हुआ था 2002 के बाद, पूरा विकास ही है। हम साइकिल नहीं ले सकते थे, अभी हम फोर व्हील ले सकते, इतना विकास हुआ है। अच्छा ये एक क्या नाम है आपका? लालू। लालू भाई क्या करते हैं आप? हम यहाँ बैंड बजाते हैं, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा? अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में बैंड बजाते हैं। ये बताइए लालू भाई कि जैसे आपने कहा कि पहले आप साइकिल नहीं ले सकते थे, अब आप कार ले सकते हैं, तो ये जो आपकी आर्थिक तरक्की हुई है उसमें सरकार का कैसे योगदान रहा, ये समझना चाहता हूँ मैं। बड़ा बहुत रोल है सरकार का, विकास बहुत बहुत विकास दिया है। मेरा सवाल है लालू भाई जी, आपसे ही पूछूंगा कि पहले आपने कहा आप साइकिल नहीं खरीद सकते थे, अब आप कार खरीद सकते हैं, निश्चित रूप से आप आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे आपको अपने कारोबार में मदद मिली, मैं ये समझना चाहता हूँ। सभी का कारोबार हुआ है, तो हमारा भी यहाँ पर कारोबार हुआ है। कारोबार क्या यहाँ लोग ज्यादा आने लगे हैं? हाँ, विकास यात्रा अच्छी तरह बता अध्यक्ष। अरे सर आएंगे आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए भाई। ये धर्म नगरी है द्वारका, यहाँ पर यात्रा लोग सब दर्शन करने के लिए आते हैं, और दर्शन के लिए आते हैं सब, यहाँ के खरीदते हैं, कुछ लेते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, बैंड बजाते हैं, सब कुछ होता है। हाँ, ये ध्वजा नहीं है, भगवान द्वारका मंदिर भगवान गज की ध्वजा है। वो तो मैं देख के आया हूँ, मैं कह रहा हूँ ये भी एक ध्वजा है। वो तो मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। और इस जगह क्या बोलते हैं? तीन बतीजो। तो लोग ज्यादा आने लगे तो उससे समृद्धि आई। हाँ, हाँ। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो विकास इसलिए हुआ, प्रगति लोगों ने इसलिए की, पहले द्वारका में सिर्फ 2-3 ट्रेन आती थी, अब हर हफ्ते में 15-20 ट्रेन आना जाना हुआ है। ये ट्रेनें कब से शुरू हुई आना? ये ट्रेनें करीबन पिछले 5-10 साल से। पर 5-10 साल पहले तो ट्रेन महकमा यूपीए के पास था। कोई बात नहीं, मगर पिछले 3 साल से तो ज्यादा हुई है, 3 साल से ज्यादा हुई है, इसलिए लोग ज्यादा आते हैं, सुविधा मिल गई लोगों को आने जाने की, इसलिए ज्यादा यात्रालु लोग आते हैं। यात्रालु ज्यादा आते हैं तो पैसे खर्च करते हैं। पहले इस भाई रिक्शा चलाते थे सपोज, तो अब वो कार भी ले सकते हैं अपने। वो मोदी जी ने विकास किया है, मोदी जी ये जो शाखा कह रहे हैं थोड़ी होता है भाई साहब। आप किसान से वो मतलब गालियां वो आप रिकॉर्ड कर रहे थे? नहीं, हमारी विकास की बात नहीं सुन रहे। अच्छा, तो ये जो बोल रहे थे ये क्या था? आप जो बोल रहे हैं ये क्या है? ये सब लाइव जा रहा है? आप मेरे पास नहीं, लाइव जा रहा है, चीख क्यों रहे हैं मेरे ऊपर सर? लाइव से मैं क्या, आप कहीं गुनाह कर रहे हैं? नहीं तो लाइव में आप नहीं, पहले ये तय हो जाए। आप जो ये काका बोले, जो ये लालू बोले, पूरी बात दिखाई ना? हाँ, बस तो मैं तो सबकी बात दिखाऊंगा ना। हाँ, तो दिखाइए। और जब उन्होंने एक सेकंड जब उन्होंने गाली दी, मैंने तुरंत टोका ना कि गाली मत दीजिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मुझसे बड़े हैं, मैं पुलिस तो हूँ नहीं कि पकड़ के ले जाऊँ। तो आप मुझ पे क्यों चीख रहे हैं बार बार आके? अरे कैसे हो गया, बार बार आ रहे हैं, बार बार चीख रहे हैं। मैं आप लोगों की तसल्ली से बात सुन रहा हूँ, ट्रेनें आई। अब एक बात बताइए, सुनिए, जब कार्यकर्ता कोई तथ्य देते हैं, कोई उन्होंने फैक्ट बताया, और अगर उस फैक्ट में कुछ गड़बड़ है तो मैं उस फैक्ट को करेक्ट करवाऊंगा ना। जैसे काका ने बोला कि 10 साल से ट्रेनें आई, तो मैंने बोला, तो फिर ये बोला कि 3 साल से ज्यादा आई, तो मैंने सिर्फ फैक्ट ही करेक्ट करवाया ना। आप मुझ पे चीख रहे हैं आके? आप बराबर चीख रहे हैं। और सर आप ही की बात सुन रहे हो ना। आप बोल रहे हैं दिखाओ, मैं कह रहा हूँ लाइव चल रहा है, आप कह रहे दिखाओ, और कैसे दिखाऊं? लाइव तो चल रहा है सर। और एक बात है जी, मोदी जी ने आके 17 दिन में ही नर्मदा की ऊंचाई बढ़ा दी। नर्मदा की ऊंचाई 17 दिन में बढ़ाती, तो पानी ज्यादा हमारे पास स्टोरेज हुआ, तो उन्होंने जगह जगह पाइपलाइन बिछा के पानी पहुंचाया। हाँ। पानी पहुंचाया तो कृषि खेडूत लोगों को है ना, वो पानी मिला अपने खेतों में ज्यादा, तो ज्यादा उत्पादन हुआ, इसलिए प्रगति हुई। इसके पीछे मोदी जी ही है। अच्छा, 73 साल में नहीं किया था अदर ऐसा 73 साल में कांग्रेस ये 3 साल में करके बता दिया। आपका क्या नाम है? जो द्वारका शहर की अर्थव्यवस्था है वो तीर्थ यात्रा के इर्द गिर्द है, तो ज्यादातर जो आपको दुकानें और कारोबार मिलेगा वो तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रख के, रुकने का, भोजन करने का, पूजन सामग्री का, ऐसा ही है ना? अच्छा, तो ये बताइए हितेश भाई कि जो आपकी दुकान किस चीज की है? नाश्ते की। तो उस पे कुछ GST वगैरह लगता है? नहीं लगता है। नहीं लगता है।
ऐसा क्यों है? मतलब जीएसटी तो सबको ही देना पड़ता है थोड़ा बहुत। सबको हम आप लोग दायरे से बाहर हैं? नहीं, दायरे से बाहर है, लेकिन जो लारी पे जैसे खड़े रहते हैं, नहीं वैसे हमारी दुकान छोटी है, जैसे लारी पे खड़े होकर सब नाश्ता करते हैं, वैसे हमारी दुकान पर नाश्ता करते हैं सब। तो लारी जैसा है, दायरे से बाहर बाहर है, बाहर है, इनकम इतनी नहीं है, हमको जीएसटी में आ सकते हैं। अच्छा, तो व्यापारियों के लिए क्या कदम उठाए हैं भाजपा की यहाँ की सरकार ने? सबको जिसको प्रॉब्लम है उसकी सब प्रॉब्लम सुनते हैं और उसका निराकरण लाते हैं। अच्छा, उसका निराकरण करते हैं। और नया जिला बनने से भी कोई फायदा हुआ है? काका क्या नाम है आपका? ये नदी नदी गुजराती गुजराती में बोल दीजिए आप। इधर आइए, क्या नाम है आपका? नहीं, हमारा नाम इसरार खान है। इसरार काका, काका क्या करते हैं आप? अरे हम वड़ा पाव की गाड़ी लगाते हैं। वड़ा पाव की गाड़ी लगाते हैं। अच्छा, तो काम ये सब लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है हुआ है, कोई बोल रहे हैं नहीं हुआ है, काम हुआ है यहाँ? नहीं, काम हो रहा है, थोड़ा काम हो रहा है। क्या बड़ा काम हुआ है जो आपको दिख रहा हो आपके आसपास के मोहल्लों में? नहीं, अभी ऐसे हम रोड वगैरह बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात में भाजपा चुनाव लड़ रही है और एक गुजराती व्यक्ति ही वहाँ पे बड़ा प्रधान, तो इसका असर होता है चुनाव पे कुछ? हाँ, होता है, इस बात का होता है। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं क्या रैली करने? अभी नहीं आए थे। आए, आप गए थे सुनने? नहीं नहीं गए, नहीं जा पाए। चार बार। इस चुनाव में थोड़ी, इस चुनाव में नहीं, पहली बार। चार तारीख को मोदी की रैली है जामनगर, सब यहाँ से जाएंगे। जामनगर में रैली है, यहाँ से जाएंगे, आदमी जाएंगे सुनने के लिए। चलिए, हम लोग भी आगे के किसी पड़ाव पर और बातें सुनेंगे। यहाँ पर आपने द्वारका के 3 बत्ती चौक पे जो लोग हमें मिले, जिसमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जुझारू। अरे तो कमाल है, मैं कह रहा हूँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आप उसमें भी गुस्सा हो रहे हैं, आपको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप तारीफ कर रहे हैं, वो सच्ची बात है। बाकी कई और कुछ खेडूत लोग थे, उन्होंने कुछ और बताया। काका के दोस्त थे बुलेट पे बैठे हुए, काका ने कुछ और बताया। और सबसे पहले हमने काकी से बात की थी जो यहाँ पे सन 1988 से अखबारों की दुकान चला रही हैं। ये द्वारका का नज़ारा आपने देखा, नया बना जिला है, और आगे और नज़ारे दिखाएंगे। राजकोट है अगला पड़ाव, उसके बाद जामनगर, मोरबी और कच्छ भी है। काका एक मिनट, थैंक यू, आप बने रहिए dlearntop.com के साथ। हमारी चुनावी यात्रा जिसमें सोशल मीडिया पार्टनर हैं, भाई भाई की फोटो दिखाओ, चश्मा क्यों उतार लिया, आप इतने अच्छे विजय राज लग रहे थे, लगाइए ना, लगाइए, अच्छा लग रहा है, लगा लीजिए। हैंडसम, तो आप देख रहे हैं dlearntop.com की चुनावी यात्रा जिसमें हमारे सोशल मीडिया पार्टनर हैं फेसबुक और हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं कायम चूर्ण। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल dlearntop को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जहां भी ये गाड़ी गुजरात में नजर आए, अगर आपको अपने मन की कोई भी बात कहनी है तो बेझिझक हाथ दे दें और गाड़ी रोक लें। ये गाड़ी आप लोगों से मिलने और आप ही की बात सुनने आई, और इसका इकलौता एजेंडा आप लोगों की बात जानना है। बीच बीच में भाई साहब मिल जाते हैं जो आपकी नीयत पे शक करते हैं। ये हमारे पेशे की दुश्वारी है कि आप कितना भी काम अपना कर लें, ईमानदारी से कुछ ना कुछ तो माथे पे ढेला फेंक ही जाएगा। शुक्रिया। dlearntop के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।